एक आदमी तो फातहा भी मोबाइल से पढ़ रहा था, खुद तो पढ़ना आती नहीं, मोबाइल में फातहा डाउनलोड थी और रख दी खाने के सामने। हद हो गई, दिमाग भाई फातहा हो रही है, अभी तुझे किसने कह दिया ये तो बता दे, को बोला ना फातहा हो रही। ओ भाई तो फिर नमाज भी डाउनलोड कर ले और मोबाइल रख दे पांचों टाइम, बात है के नहीं है? डाउनलोड कर लो, डाउनलोड करके जब फजर का टाइम हो अपने रख दो। अच्छा उसमें बटन भी दबाने की जरूरत नहीं, उसमें तो सेट हो जाता है टाइम, वो जब सेट आएगा खुद ही शुरू हो जाएगा। और मेरे भाई हर जगह दिमाग काम नहीं करता, अल्लाह की इबादत करना ही पड़ेगी तभी नमाज है। अजान मोबाइल में अगर दिला दो तो अजान नहीं होगी, अजान आपको पढ़ना ही होगी। हाँ सुनिए मजा आएगा। तो मेरे भाई हर जगह दिमाग नहीं लगेगा। ओ मेरे भाई दिमाग लगाया, इधर हजरत नूह ने अपनी कश्ती को संवारा, अपनी कश्ती को बनाना शुरू किया, जैसे में आने वाला बाप कश्ती बना रहा है, बेटा एक पहाड़ पर अपना शीश महल बना रहा है। ये अल्लाह के सहारे है, ये दिमाग के सहारे, सहारा दोनों ले रहे थे, ये अल्लाह के सहारे और ये दिमाग के सहारे। किश्ती बनी तैयार, शीश महल बना तैयार हुआ, दोनों तैयार, अजाब का वादा आ गया। बोलो सुभान अल्लाह। हजरत नूह को आदम सानी भी कहा जाता, क्या कहा जाता? आदम सानी यानी दूसरे आदम। किस लिए कहा जाता? इसलिए कहा जाता है कि हजरत आदम से पूरी दुनिया बनी। वबस्सा मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ, कुरान में, कुरान में है कि अल्लाह ने एक मर्द और एक औरत से, और खासकर मर्द ही से, व खलक मिन्हा ज़ौजहा, अल्लाह ने कुरान में फरमाया हजरत आदम से उनकी बीवी को पैदा किया। व खलक मिन्हा ज़ौजहा, अल्लाह ने हजरत आदम की बाई पसली से उनकी ज़ौजा को पैदा किया। फिर आगे आयत में अल्लाह फरमाता कुरान में वबस्सा मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ, अल्लाह ने उन दोनों से बहुत से मर्द औरतों को पैदा किया। लेकिन असल जो है बुनियाद वो आदम ही है, इसलिए कि हव्वा को भी आदम ही से पैदा किया है। समझ रहे हैं आप, असल कौन है? आदम ही। तो आदम से दुनिया को पैदा किया, दुनिया को बनाया। ऐसे ही हजरत नूह को आदम सनी इसलिए कहा जाता है, हजरत नूह के जमाने में जब तूफान आया था पूरी दुनिया फना हो गई, तबाह बर्बाद हो गई, दुनिया खत्म हो गई, फिर हजरत नूह के बाद ही दुनिया का पारा चढ़ा। हजरत नूह के 10 बेटे थे, नहीं 3 बेटे, कितने? हाम शाम याफस, ये हाँ 3 बेटे बचे, कितने? हाम शाम याफस, ठीक है। याफस के 10 बेटे थे, वो मैं अलग, फिर वो लंबा हो जाएगा कहानी, समझ रहे हैं आप। और याफस की औलादों में इधर चाइना के बॉर्डर तक आएंगे सब, समझ रहे हैं आप, हाँ ये सब कबीले, और उधर पहुंचे हैं अफ्रीका तक, बहुत लंबा, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हुकूमत की है वो याफस के बेटों ने की। आपको मैं बता दूं सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में जो हुकूमत की है किसने की है? याफस के बेटों ने की, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा। आज जो टर्की है ना, टर्की, ये सब उसी की औलादों में आज भी ये लोग हुकूमत कर रहे हैं। बहरहाल मेरा वो टॉपिक नहीं, कभी मैं तारीख में जाऊंगा तो बताऊंगा। अल्लाह अल्लाह, जरा गौर करो, जरा गौर करो, दिमाग चलाया ओ लोगो, तेरी मेरी तो औकात क्या है? नबी का बेटा दिमाग चला रहा है, अल्लाह की रहमत कह रही है ओ नो, तू अपना इंतजाम कर ले मेरी मर्जी के मुताबिक, ये दिमाग चला रहा है, देखना इसे कैसे मारूंगा, कितना जलील करके मारूंगा। चलाने दो दिमाग, मारूंगा और कितना जलील करके मारूंगा, कितनी घिनौनी मौत मारूंगा इसको, चलाने दो दिमाग। मेरे भाइयों हर जगह दिमाग नहीं चलता, इधर शीश महल बनकर तैयार हो गया, उधर कश्ती बनकर तैयार हो गया। हजरत नूह ने अपने तमाम चाहने वालों को, तमाम अपने उम्मतियों को, तमाम अल्लाह पर ईमान लाने वालों को कश्ती में सवार किया। वो कश्ती जो हजरत नूह ने बनाई थी 4000 साल पहले, आज एक लेटेस्ट न्यूज आपको दे दूं, मैं खबर दे दूं, वो कश्ती आज के साइंसदानों ने तलाश कर ली, मिल गई, कहीं रेत में दबी हुई मिली है, वो कौन सी जगह का रेत है लेकिन दबी हुई मिली है, आज तक वो खराब नहीं हुई, उसके बहुत सा मलबा और कश्ती का पूरा ढांचा बाकी है,
जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे, बन के फानूस जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। मिल गई है, मिल गई है। उधर वो शीश महल में बंद, इधर तूफान आया, कश्ती वाले लोग कश्ती में जिंदा है, ये भी अपने शीश महल में जिंदा है। पानी पानी चारों तरफ तबाही, चारों तरफ मौत का समा, चारों तरफ कयामत का आलम, चारों तरफ चीखो पुकार, चारों तरफ अपने की अपने को खबर नहीं। लोग जब ऐसा वक्त आया, ये अपने शीश महल में चैन सुकून से बैठा था। अल्लाह का हुक्म देखो, हुक्म ये था बचेगा वही जो कश्ती नूह में सवार होगा, उसके अलावा फौलाद में चले जाओ, शीश महल में चले जाओ, पहाड़ों पे चले जाओ, जमीन के तहखाने में चले जाओ, इसलिए कि खुदा का हुक्म उन्हीं के लिए था जो कश्ती में है बचेगा, इसके अलावा नहीं बचेगा। लोगों दरवाजा बंद, चारों तरफ पानी, अंदर एंटर पानी नहीं कर रहा है, क्यों? इसलिए कि शीशे में पानी अंदर जो है दाखिल नहीं हो सकता। दिख रहा था पानी आ गया मगर अंदर दाखिल नहीं होता, दिख रहा था पानी आ गया मगर अंदर दाखिल नहीं होता। लोगों को रिवायत में यहाँ तक आता है शीश महल के अंदर पेशाब लग गया। क्या हुआ पेशाब? इंसानी चीज है, जरूरत है, ये हाजत है इंसान को, लगा। अब दरवाजा खोलूं तो पानी आया। भाई अब अगर पेशाब करने के लिए दरवाजा खोले तो क्या आएगा? लगा बेटा, दिमाग कितना लगाओगे? लगाओ दिमाग कितना लगाओगे। अब कहां गया दिमाग? सोचने लगा यार पेशाब का तो मामला कब तक रहेगा, ये तूफान का मामला, जब ठंडा हो जाएगा तो बाहर तो निकल नहीं, अब दरवाजा तो खोल नहीं सकते, यही कर लो। उसी के अंदर पेशाब शुरू किया, शुरू तो इसने किया था मगर रब की रहमत बोली अब बंद हम करेंगे। शुरू तो कर दिया हो, बंद नहीं कर पाओगे। पी किया तो इतना किया कि घुटनों तक पेशाब, नाफ तक पेशाब, गले गले तक पेशाब, इतना पेशाब किया कि पूरा महल ही उसका भर गया, अपने ही पेशाब में चूहे की तरह डूब डूब कर भर गया। चलाओ दिमाग, अल्लाह से बढ़ सकता है कोई? नमरूद ने दिमाग चलाया था, बहुत फौज तैयार की, बहुत ताकत प्रदान की, बहुत बड़ा ताकतवर बन गया, मगर अल्लाह का हुक्म हुआ, एक ही मच्छर ने उसका काम तमाम कर दिया। मच्छर नाक के रास्ते से अंदर घुसा और दिमाग में भिन भिन पिन पिन करना शुरू किया नमरूद के दिमाग में, तो दिमाग खराब हुआ। अपनी बीवियों से कहता था मेरे दिमाग पर जरा कूटाई करो, कूटाई, चप्पल से मारो, किसी चीज से मारो, जूते से मारो। और जब तक वो मारती थी जूता चप्पल, तब तक मच्छर खूब सुकून से बैठता था, और जैसे ही मार खत्म की फिर भिन भिन करना शुरू किया, फिर टेंशन दीवानों में सर मारता था। लोगों इतना कुटाई लगाई, इतना कुटाई लगाई कि उसी मच्छर की वजह से मर गया। लगाओ दिमाग, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, फजर का वक्त हो और जब मुअज्जिन का है असलातु खैरुन मिनन्नाम।